मैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सिटी वाइस प्रेसिडेंट, मेरा नाम सैयद सलीम और हकुल्ला प्रजा संघ। आज 5 बजे लब्बाई होटल याकूतपुर स्टेशन के पास के ओनर दो काम करने वाले बच्चों को, जावी और अहमद को, इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। मारने के बाद एक बच्चा रोज़ा था जावी, जो असर के टाइम पे मारने के बाद बेहोश होने के बाद उसके मुंह में पानी डाला गया। जब होश में आने के बाद से बच्चे निकल के रैन बाज़ार PS को गए। PS को जाने के बाद से वहाँ पे पुलिस वाले नीचे ही रोकते लोग को, लोग चोर है, 15,000 रुपये तुम लोग चुराए, मसाले चुराए होटल में से, बोल के और उन लोगों को मार के नाके से बढ़ा दिए। वो लोग हमारे ऑफिस पर आए, हम लोग उनको लेकर ACP मिर्चौक के पास गए। ACP साहब के सामने कपड़े उतार कर पूरे उनके ज़ख्म वगैरह बताए। ACP साहब इमीडिएट रैन बाज़ार CI को फ़ोन करके 324 केस बुक करने के से बोले। फिर हम लोग वो लड़कों को लेकर बोलते सो रैन बाज़ार CI के पास आए। आने के बाद से वहाँ का माहौल ही अजीब कर दिए लोग, कि एक ज़िम्मेदार मैं शख्स हूँ, सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे वगैरह लैंग्वेज में बात करते हुए CI ये कह रहे हैं तू आने की ज़रूरत क्या है रे तेरी, तू यहाँ आता कैसा, तू है कौन, जबकि बच्चों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं लोग बिठा के, जबकि केस कुछ भी बुकने करे लोग होटल वालों के ऊपर, और बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, और लैंग्वेज तो इतनी वगैरह लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं CI, और CI को तकरीबन पूरे होटल से यहाँ पे मामूल है, जिसकी बिना पर मामूल के दबाव से उन्होंने केस बुक करना नहीं चाह रहे। और हर होटल वाले को, हर डब्बे वाले से CI और इसे पर अपने रमेश और क्राइम कॉन्स्टेबल मिनाज और खमर, ये लोग का जुल्म बहुत याकूतपुर में हो रहा है। तकरीबन अपने गाड़ी चेकिंग के नाम पर भी बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। इससे पहले भी एक हाईकोर्ट के अंदर केस फाइल ऑलरेडी लोग रमेश पे और CI पे चल रहा है, जो बच्चों को अपने गैर जरूरी रोक कर लाइसेंस चेकिंग के नाम पर, जबकि पूरे डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद भी लोग को पीटा जा रहा है। यहीं स्टेशन के पास आज से 15 दिन पहले एक लड़के को इतनी बेतहाशा से मारा कि लड़का गाड़ी छोड़ के भागा। मैं ये हम डिमांड करते हैं कि DCP साहब और कमिश्नर साहब से कि CI और अपने SI रमेश और ये कॉन्स्टेबल, ये लोग का जुल्म बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बच्चे इनोसेंट है। वो लोग को ये कहकर मारा गया कि तुम लोग मसाले बिरयानी के मसाले चुराए थे 15 दिन पहले, जबकि लोग होटल से निकल के 20-25 दिन सामने वाली होटल पे काम कर रहे हैं। अभी भी लड़के PS के अंदर उन लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ, जो मारे से वाले अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, उन लोगों को अभी अरेस्ट नहीं किया गया। हम डिमांड करते हैं कि उन लोगों को पहले अरेस्ट करना चाहिए, और CI के ऊपर और रमेश SI के ऊपर, कॉन्स्टेबल मिनाज कमर के ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सैयद सलीम और हकुल्ला प्रजा संगम सिटी वाइस प्रेसिडेंट। होटल वर्कर्स रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन को वच्ची दरखास्त ఇవ్వనది లబ్బెక హోటల్లో ఇట్లా మేము పనిచేసి 15 రోజులు మానేసినాము, మానేసినందుకు దాన్ని మా మీద పక్ష పెట్టుకొని ముదసీర్ ఖాదీర్ హుస్సేన్ అండ్ ముబేర్ అనేవాళ్ళు మమ్మల్ని కొట్టినారు, ఇండిస్క్రిమినేట్గా గల్లేసి కొట్టినారని దరఖాస్తు ఇచ్చినారు. దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాము, కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళు ఎవరైతే ఇంజరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళని హాస్పిటల్కి పంపించి యాక్షన్ తీసుకుంటాను. మధ్యాహ్నం జరిగింది 5 గంటలు కానీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు. मन प्रेस मित्र अंदर अभी फाल्स इनफॉर्मेशन इतना अदरो मैं आलरे वाली ऐसा तस्कूं फाल्स इनफॉर्मेशन इच्छे नमोदी प्रजू चपंडी प्रजी एना अवसर उसे पोलिशन रम्मन अंत का मीडियटर दी ब्रोकर दर होनी दयचे ना ओके थैंक यू कौन बुलाए PS को कौन भिजाए फोटो कौन खींचे ये बोलो बोलो भाई परवाह नहीं कुछ okay. मैं आपको जो अभी क्या है क्या प्रॉब्लम हम मेरे पास गए हम आपको बहुत मारा लगे थे तो मैंने बोले चलो हम केस करेंगे बोल के PS को लगा सके कौन भी जाओ बोलो PS में लगा सके करके नहीं हम कुछ बोले हाँ चलते बोल के कितने पैसे पूछे इकबाल खान नहीं पूछे आप PS पे क्यों नहीं आए थे पहले आप हाँ। लगे मालूम है पुलिस वाले रहते तो आए थे PS को आना है PS क्यों नहीं आए पहले हम आए थे PS में डायरेक्ट नहीं आया डायरेक्ट इधर आया था हम डायरेक्ट आए थे फिर हम शादी खाने में जाके बढ़ गए हाँ। तो वहाँ से PS को आए तो PS में क्या हुआ PS में कुछ नहीं हुआ आप कंप्लेंट करें कंप्लेंट नहीं करें हम पूरे सेटा थे हमारे वजह मानने की वजह क्या बोले मानने की वजह थोड़ी बिरयानी पकाने से थोड़े मसाले लिए थे हम बोल के लिए थे बगर बोले बगर बोले नहीं थे 15 दिन की बात थी तो होटल में नहीं आना कान फोड़ता हूँ काट डालता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ बोल रहे थे
जंगल खान को और आपको कैसा पहचाना थे? भट्टी पे पढ़ते रहते हैं, आते आते जाते रहते, मुलाकात होती रहती है। एक बार भी गया हूँ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा मैं बोला अच्छे वाले, चलो केस पे नहीं बोल के मेरे लिए होटल वाला तो भिजा जाता ना, तुम्हें भिजा दिए थे, मैं शादी खाने में बढ़ गया था। हाँ, शादी खाने में बढ़ने के बाद पहले काम करता था मैं, वो थोड़े मसाले लिए बिरयानी बनाने का, बगैर बोले थोड़ी बिरयानी लेके मसाले लिए बिरयानी बनाने खा लिए चले गए। दो दिन के बाद कौन इकबाल खान क्या है वो हमारे मेहमान मालूम तो उनके गए दोस्ताना है, हमारे साथ में दोस्त है इधर। क्या बोल के लेके गए तुम? हाँ चलो बोल के, महमूद भाई बोले चलो बोल के।